हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अध्याय एक, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। ठीक, वीडियो चालू करने से पहले आप लोग को जो चीज़ बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो इकोनॉमिक सर्वे वाला जो वीडियो सीरीज़ है, मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी जुलाई एंड से, क्योंकि जुलाई एंड के आते आते दो चार और डिपार्टमेंटल आपके जो रिपोर्ट्स है वो प्रस्तुत होते हैं। लेकिन बहुत सारे अभी जैसे आगामी दो एग्ज़ाम है, जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्ज़ाम है और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, तो उसको देखते हुए काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो जल्दी बना करके उसे समाप्त कीजिए करके। लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल का मेरे को मेरिट मेंटेन करना पड़ता है। मेरिट इन द सेंस, अगर मेरे यूट्यूब में लगभग अभी 45,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो उस हर एक वीडियो पर मुझे 45,000 सब्सक्राइबर के एटलीस्ट 25-30% व्यूज मेरे को गेन करने जरूरी है। देखिए, वीडियो कब अपलोड करना है, कब उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे वो मुझे पता है, उसके हिसाब से मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। अभी जो सिनेरियो क्या है, अभी जो है कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन का सिनेरियो है। ठीक, लॉकडाउन होने से लोग अपने माइंड को भी लॉक करके घर में बैठ गए हैं, कोई भी एजुकेशनल वीडियोस नहीं देखना चाहता, केवल एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस लोग देखना पसंद कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मेंस के प्रिपरेशन में लगी हुई है, इसलिए मैं जो अपना वीडियो सीरीज़ है वो जुलाई एंड से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन जो बहुत सारे लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो अपलोड किया जाए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे अपना मेरिट मेंटेन करना है, तो यदि आपको ये वीडियोस प्रॉपर वे में चाहिए, तो मैं आज से आपको इस इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो में आपको एक टारगेट दूंगा। देखिए, जो मेरे पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे की यदि मैं बात करूं, पिछले दो साल से इकोनॉमिक सर्वे डालते आ रहा हूं वीडियो, तो उसमें ऑन दी एवरेज अगर मैं बात करूं, तो हर एक वीडियो में लगभग आपके 12,000, 17,000, 18,000, 20,000 के आसपास व्यूज जाते हैं। पिछले बार का जो चैप्टर वन आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, यदि पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो देखेंगे, तो उसमें 56,000 लोगों ने उसे देखा था। ठीक है, तो इससे क्या है, मेरिट थोड़ा मेंटेन रहता है। लेकिन ये जो लॉकडाउन के कारण यदि मैं बात करूं, तो अभी जो मैं नॉर्मल करंट अफेयर की भी वीडियोस डालता हूं, तो उसे व्यूज नहीं आते, क्योंकि लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग को जो टारगेट दे रहा हूं, उस टारगेट को समझिएगा। इस इकोनॉमिक सर्वे वीडियो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट यानी चैप्टर 2 जनगणना वाला तब आएगा जब इस वीडियो पर 7,000 व्यूज आएंगे, यानी 7,000 लोग इसे देखेंगे। ठीक, ये टारगेट देना मुझे जरूरी है। अगर टारगेट नहीं दूंगा, तो मैं आगे आप लोग का इकोनॉमिक सर्वे कवर कराऊंगा, लेकिन जुलाई के बाद। अगर आप जल्दी से जल्दी जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी वीडियो सीरीज चाहते हैं, तो ये टारगेट को कंप्लीट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, लाइक्स का भी आपको टारगेट दे रहा हूँ। जब तक इस वीडियो को 7,000 लोग नहीं देखेंगे, यानी 7,000 व्यूज़ नहीं आएंगे, और आप लोग लगभग 800 के आसपास लाइक्स का टारगेट कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक इसका सेकेंड पार्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग का इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट होगा, लेकिन मेरे मर्जी के हिसाब से जुलाई मंथ के बाद मैं फिर कंप्लीट करूँगा। लेकिन अगर अपने एग्जाम से पहले अभी आप कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो जो टारगेट देते जाऊंगा, उस टारगेट को आप कंप्लीट करते जाइए। ये 7,000 का टारगेट आप एक दिन में कंप्लीट कीजिए, दो दिन में कीजिए, तीन दिन में कंप्लीट कीजिए। जब भी कंप्लीट होगा 7,000 का व्यूज, उसके मैं नेक्स्ट डे आपको दूसरा वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये 7,000 व्यू, 800 के आसपास लाइक्स, इसको दोनों को कंप्लीट कीजिएगा। और बाकी डिसलाइक करने वाले भी अपनी थोड़ी इस कड़ी में अपने योगदान दे सकते हैं, 5-6 डिसलाइक आप भी कर दीजिएगा। आप भी हमारे इस सीजीपीएससी पाठशाला परिवार के एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने डिसलाइक करने का कंटिन्यूटी कीजिएगा, 4-5 डिसलाइक आप भी कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय एक, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व में भारत की क्या स्थिति है भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसे समझिएगा। इसमें दो टर्म यूज होते हैं, जीडीपी के आधार पर और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस, ठीक, सकल घरेलू उत्पाद, और आपके क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेसिंग पावर प्रायोरिटी। देखिए, दोनों को मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है उसे हम आगे देखेंगे आपके चैप्टर 3 में। जीडीपी का डेफिनेशन मैं आपको चैप्टर 3 में बताऊंगा, अभी केवल एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्रय शक्ति क्षमता क्या होता है और जीडीपी क्या होता है। देखिए, आपके जेब में जितने पैसे हैं, आपके जेब में जितना पैसा है वो आपका कहलाएगा जीडीपी।
देखिए, आपके जेब में जो पैसा है वो पैसे किसी भी प्रकार से आपके जेब में आए हो, या तो आपने अपनी कमाई से वो पैसा लाया हो, या किसी से उधार लेकर के वो पैसे अपने जेब में रखे हो, यानी उसका आय का स्रोत कहीं से भी हो, चाहे वो उधारी क्यों ना हो, लेकिन वो पैसे अगर आपकी जेब में है तो वो कहलाएगा जीडीपी। अब परचेसिंग पावर प्रायोरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता क्या होता है, आपके पास जो पैसे है उस पैसे से आप कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं, आपकी जेब में जितने पैसे हैं उस पैसे से आप कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं, ये कहलाएगा आपका क्रय शक्ति क्षमता अनुपात यानी परचेसिंग पावर प्रायोरिटी। और एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, समझिएगा। देखिए, ये पेन है, ये मार्कर है, इस मार्कर की कीमत मौजूदा कीमत समझ के चलिए 75 रुपये। अगर हम करेंसी एक्सचेंज रेट की बात करें तो करेंसी एक्सचेंज रेट में अभी $1 का इक्वल, मतलब $1 के बराबर हमारा भारत 75 रुपये देता है, ठीक। $1 इक्वल टू 75 इंडियन रुपीज, ठीक। तो यानी यदि हम इस एक मार्कर को मेरे को भारत में खरीदना है तो मुझे 75 रुपये का मूल्य चुकाना पड़ेगा, और यही मार्कर यदि कोई एक अमेरिका वाला व्यक्ति खरीदेगा तो इसे इस मार्कर के लिए $1 कीमत चुकानी पड़ेगी। क्रय शक्ति क्षमता का डेफिनेशन क्या होता है, किन्हीं भी दो देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं की कीमतों में अंतर क्रय शक्ति क्षमता अनुपात कहलाता है। किन्हीं भी दो देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं की कीमतों में अंतर क्रय शक्ति क्षमता को दर्शाता है। ये एक तरीके का करेंसी एक्सचेंज रेट का फैक्टर भी होता है, PPP, परचेसिंग पावर प्रायोरिटी, ठीक। तो यानी हमारे भारत में 75 रुपये में इस एक मार्कर को खरीदा जा सकता है, वहीं अमेरिका में $75 में इस 75 मार्कर को खरीदा जा सकता है, ठीक। भारत में 75 रुपये में एक मार्कर खरीद सकते हैं, वहीं अमेरिका में $75 में 75 मार्कर खरीद सकते हैं। तो ये होता है किन्हीं भी दो देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं के कीमतों में अंतर आपका परचेसिंग पावर प्रायोरिटी या क्रय शक्ति क्षमता अनुपात कहलाता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको केवल इसकी रैंकिंग जाननी है, बस एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, GDP के आधार पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर हमारा जो भारत है वो विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। GDP के आधार पर भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये है आपके रिपोर्ट, IMF रिपोर्ट, जो नवंबर 2019 में पब्लिश हुआ था। नवंबर 2019 में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के आधार पर भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे पहले जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक पेश करता था, लेकिन इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का जो आपका आंकड़ा आया है उसमें IMF की रिपोर्ट को मेंशन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवंबर 2019 में आई रिपोर्ट के आधार पर भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। सेकेंड, क्रय शक्ति क्षमता अनुपात। क्रय शक्ति क्षमता अनुपात यानी परचेसिंग पावर प्रायोरिटी में भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रश्न समझिएगा, GDP के आधार पर भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, IMF रिपोर्ट नवंबर 2019 के आधार पर, जबकि क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों आंकड़े अलग अलग है। देखिए, नेक्स्ट है भारत का विकास दर। भारत का विकास दर देखिए, इसमें दो आंकड़े दिए गए हैं, वर्ष 2018-19 और 19-20। हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट तो 19-20 है, लेकिन दोनों को याद कीजिएगा। वर्ष 2018-19 में भारत का जो ग्रोथ रेट रहा, ठीक, भारत का जो विकास दर रहा वो था आपका 6.8%। वर्ष 2018-19 में भारत का जो विकास दर रहा वो रहा आपका 6.8%, जबकि वर्ष 2019-20 में, हमारे लिए ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2019-20 में जो भारत का विकास दर रहा या ग्रोथ रेट रहा वो रहा आपका 5%, केवल 5%। 18-19 में 6.8%, 19-20 में 5%, केवल 5%। इन दो वर्षों में यदि हम एवरेज ग्रोथ रेट देखें या औसत वृद्धि देखें तो ये रहा आपका 5.9%। ये औसत वृद्धि को भी अलग से मेंशन किया गया है, इकोनॉमिक सर्वे में प्रश्न बन सकता है, विगत दो वर्षों में भारत की औसत वृद्धि दर कितनी रही, तो कितनी रही, 5.9%। 18-19 में 6.8%, 19-20 में 5%, यानी 5%, और दोनों वर्षों का यदि हम औसत वृद्धि देखें तो ये रहा आपका 5.9%। इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब छत्तीसगढ़ का थोड़ा परिचय टाइप का दिया गया है आपके चैप्टर 1 में, जिसमें जनगणना 2011 के आंकड़े से संबंधित कुछ डाटा दिए गए हैं। देखिए, जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है आपकी 2.55 करोड़, ठीक, 2.55 करोड़ छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है, यानी 2,55,00,000 छत्तीसगढ़ की कुल आबादी है, ठीक। इस 2.55 करोड़ आबादी के साथ
जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो भारत का 16वां बड़ा राज्य है, ठीक। 2,55,00,000 आबादी के साथ जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो भारत का 16वां बड़ा राज्य है, और ये जो आबादी है 2.55 करोड़, ये भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% आबादी हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है, और 2.55 करोड़ आबादी के साथ जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो भारत का 16वां बड़ा राज्य है। दोनों बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, कथन या कथन वाले जो प्रश्न आते हैं, कूट वाले प्रश्न आते हैं, अ ब स सही है, ब स द सही है, ऐसे वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें कथन वाले क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए लिंगानुपात, लिंगानुपात सेक्स रेशियो। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1,000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, बेसिक डेफिनेशन। 1,000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कितनी है ये दर्शाता है आपका लिंगानुपात। 1,000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कितनी है ये दर्शाता है आपका लिंगानुपात। तो हमारे छत्तीसगढ़ का सकल लिंगानुपात है 991, हमारे छत्तीसगढ़ का सकल लिंगानुपात यानी ओवरऑल लिंगानुपात है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का 991, यानी हमारे छत्तीसगढ़ में प्रति 1,000 लड़कों की तुलना में 991 लड़कियां हैं, ठीक है। देखिए इस 991 सकल लिंगानुपात के साथ भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान 5वां है, यानी लिंगानुपात के मामले में या सेक्स रेशियो के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ भारत में 5वें स्थान पर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो हो गया लिंगानुपात, अब इसे हम थोड़ा सब डिवाइड करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना लिंगानुपात है, छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में कितना लिंगानुपात है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट में कितना लिंगानुपात है, और छत्तीसगढ़ के शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति में कितना लिंगानुपात है, ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको इसे अलग अलग भी याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है 1001, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात है 1001, जबकि शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात है 956 यानी 956। ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 1001, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 956। अनुसूचित जाति क्षेत्र का लिंगानुपात यानी अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट, इनका लिंगानुपात है 994 यानी 994, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो लिंगानुपात है वो है आपका 1020 यानी 1020, शेड्यूल्ड ट्राइब 1020 लिंगानुपात। इसमें से ग्रामीण क्षेत्र का पूछा जा चुका है, अनुसूचित जाति का पूछा जा चुका है, शहरी और आपके अनुसूचित जाति वर्ग का पूछा जाना बाकी है, लेकिन आपको याद चालू ग्रामीण क्षेत्र का 1001, शहरी क्षेत्र का 956, अनुसूचित जाति का 994, अनुसूचित जनजाति का 1020, ओवरऑल पूछा जाए तो 991, ठीक, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए मृत्यु दर, ये मृत्यु दर के आंकड़े दिए गए हैं, इसे समझिएगा, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 में इसके आधे अधूरे आंकड़े दिए गए हैं, इसे मैंने कुछ एडिशनल ऐड किया है, ठीक है। देखिए मृत्यु दर, एक होता है मातृत्व मृत्यु दर, पहले मातृत्व मृत्यु दर को समझिएगा, ये दोनों आंकड़े 2017 तक के आंकड़े हैं, आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े दिए गए हैं दोनों के दोनों 2017 तक के आंकड़े हैं, और यही आंकड़े आपको याद रखने हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट या SRS रिपोर्ट 2017 के आधार पर ये आंकड़े बता रहे हैं, एक है आपके भारत का और दूसरा है आपके छत्तीसगढ़ का। सबसे पहले मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर क्या होता है, प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या, प्रसव के दौरान प्रति लाख माताओं में मृत माताओं की संख्या मातृत्व मृत्यु दर कहलाती है, ठीक। देखिए प्रसव के दौरान यानी जो गर्भवती माताएं हैं जो डिलीवरी के समय बच्चे को जन्म देते समय जिन माताओं की मृत्यु हो जाती है वो आपके मातृत्व मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है, प्रति लाख माताओं में इसकी काउंट होती है, ठीक है, इसकी गणना प्रति लाख में होती है, ठीक। इसके मुख्य कारण है आपके संस्थागत प्रसव के स्थान पर परंपरागत प्रसव। संस्थागत प्रसव मतलब, संस्थागत मतलब जो आपके जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपनी डिलीवरी या अपना प्रसव जो है आपकी किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाती है, वो संस्थागत प्रसव है, वहाँ उन्हें प्रॉपर चिकित्सकीय सुविधा मिलती है। उसके स्थान पर परंपरागत प्रसव यानी जो घर में अपने प्रसव कराती है जो महिलाएं, जहाँ पर उन्हें प्रॉपर चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल पाती है, ठीक है, प्रॉपर उन्हें मेडिसिन नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका मेन कारण है संस्थागत प्रसव के स्थान पर परंपरागत प्रसव, ठीक है। तो देखिए मातृत्व मृत्यु दर 2017 तक के यदि हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे जो भारत है, भारत में मातृत्व मृत्यु दर है 122 प्रति लाख,
122 प्रति लाख, ध्यान दीजिएगा प्रति लाख में यहां काउंट कर रहा है, 122 प्रति लाख है आपकी मातृत्व मृत्यु दर कहां पर, हमारे भारत में, जबकि छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर है 141 प्रति लाख, भारत से ज्यादा। ठीक, छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर 2017 तक की स्थिति में है आपका 141 प्रति लाख। ठीक, नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर मतलब प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है। इसमें 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों की जो आपकी गणना में इसमें शामिल किया जाता है। प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या आपके शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट होती है। ये आंकड़े भी आपके 2017 तक की स्थिति में है। इसमें भारत का जो शिशु मृत्यु दर है वो है आपका 33 प्रति हजार, यहाँ आंकड़े प्रति हजार में है। भारत का शिशु मृत्यु दर है 33 प्रति हजार, जबकि छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर है 38 प्रति हजार। इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये बेसिक आंकड़े थोड़ा याद रखिएगा। अब थोड़ा इधर देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्षेत्रावार प्रतिशत वृद्धि, सकल राज्य GSDP, सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि। क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि मतलब कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि। और सबसे इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये सभी के सभी स्थिर मूल्यों पर है। ये जो क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, ये स्थिर मूल्यों पर है, प्रचलित मूल्यों पर नहीं है। स्थिर मूल्य मतलब आधार वर्ष है 2011-12, स्थिर मूल्य के कीमतों के आधार पर। ठीक है, देखिए यहां मैंने जो टेबल बनाया है उसे समझिएगा। क्षेत्र वृद्धि दर 2019-20 में विगत 8 वर्षों में औसत वृद्धि दर, यानी पिछले 8 वर्षों में इसमें औसत वृद्धि कितनी हुई इस क्षेत्र में, यानी 2012-13 से लेकर के 2019-20 तक। और विशेष, पिछले 6 वर्षों में कौन सा विशेष वर्ष रहा जहां पे वृद्धि दर सर्वाधिक रही या आपका न्यूनतम रही, समझिएगा। सबसे पहले हम ये 2 कॉलम पे चर्चा करेंगे, इसे समझिएगा। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और GSDP, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक, कृषि क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर रही आपकी 3.31%। सबसे पहले आपको ये आंकड़े याद रखना है, स्थिर कीमतों पर, क्योंकि जो मेन आपके डाटा पूछे जाते हैं वो स्थिर कीमतों के आंकड़े आपसे पहले पूछे जाएंगे, प्रचलित कीमतों के बहुत कम पूछे जाते हैं। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर रही स्थिर कीमतों पर 2019-20 के लिए 3.31% अनुमानित है, समझिएगा, अनुमानित है। नेक्स्ट है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित वृद्धि दर रही 4.94%, 4.94%। ठीक, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर रही, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर रही 6.62%, 6.62%, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर रही स्थिर मूल्यों पर। ठीक, और छत्तीसगढ़ का GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद या छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर रहा, वो रहा आपका ओवरऑल 5.32%, यानी 5.32%। ठीक है, कृषि क्षेत्र का 3.31, उद्योग क्षेत्र का 4.94, सेवा क्षेत्र का 6.62 और छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर रहा आपका 5.32%, किस पर, स्थिर मूल्यों पर। ठीक, अब देखिए, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में विगत 8 वर्षों में औसत वृद्धि कितनी रही, यानी ये जो आपके कृषि क्षेत्र है इसमें 2012-13 से लेकर के 2019-20 यानी विगत 8 वर्षों में इनकी औसत वृद्धि कितनी रही। तो कृषि क्षेत्र की विगत 8 वर्षों में औसत वृद्धि रही 4.99%, 4.99%, विगत 8 वर्षों में कृषि क्षेत्र की आपकी औसत वृद्धि रही। उद्योग क्षेत्र की विगत 8 वर्षों में, यानी 2012-13 से लेकर के 2019-20, इन 8 वर्षों की अवधि में हमारे उद्योग क्षेत्र की जो वृद्धि दर रही वो रही आपकी 5.42%, पिछले 8 वर्षों में उद्योग क्षेत्र की आपकी वृद्धि दर रही 5.42%। ठीक, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर रही विगत 8 वर्षों में, यानी 2012-13 से लेकर 2019-20 की अवधि में विगत 8 वर्षों में औसत वृद्धि रही 6.52%, यानी 6.52%। ठीक है, और यदि हम GSDP की बात करें, यानी छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर पिछले 8 वर्षों में रहा आपका, औसत वृद्धि हुई इसमें 5.58%, यानी 5.58% की औसत वृद्धि दर्ज की गई पिछले 8 वर्षों में।
ठीक है। तो ये औसत वृद्धि वाले कॉलम को थोड़ा अच्छे से याद कीजिएगा, जब प्रश्न बहुत ज्यादा घुमाना हुआ तब इस पोर्शन से प्रश्न पूछेगा, वरना आपका ये जो पहला वाला कॉलम है वर्ष 2019-20 के लिए उसी से अक्सर प्रश्न बनते हैं। लेकिन अगर थोड़ा डीप में जाना हुआ तो ये विगत 8 वर्षों में औसत वृद्धि से भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। देखिए अब कुछ विशेष वर्ष, ये पिछले छः वर्षों में यानी 2014-15 से लेकर के 2019-20, ठीक है, पिछले 6 वर्षों में जो हमारा कुछ ऐसा वर्ष है जिसमें पर्टिकुलर क्षेत्र में यानी कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो या तो सर्वाधिक रही या तो न्यूनतम रही, समझिएगा। देखिए कृषि क्षेत्र में जो पिछले 6 वर्षों में, यहाँ 6 वर्ष की बात की जा रही है, यहाँ 8 वर्ष है, यहाँ 6 वर्ष है, पिछले 6 वर्षों में जो आपके कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई वो वर्ष है आपका 2016-17। प्रश्न पूछा जाता है पिछले 6 वर्षों में किस वर्ष कृषि क्षेत्र में आपकी सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई स्थिर कुल कीमतों पर, तो कौन सा वर्ष है, 2016-17। देखिए अधिकतर वर्ष पूछता है, अगर बाई चांस परसेंट पूछा तो 21.28% अनुमानित है, 21.28% अनुमानित है, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई पूछा जाए तो 2016-17 कृषि क्षेत्र में। वैसे ही कृषि क्षेत्र में दो वर्ष ऐसे हैं जब कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रहा, निगेटिव रहा, ठीक है। देखिए कौन कौन से है, 2015-16 और 2017-18, 2015-16 और 2017-18। जो 15-16 है इसमें जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रहा, कितना, -0.95% यानी 0.95%। उसका मेन कारण था कि उस वर्ष हमारे प्रदेश के जो जनपद है वहां पे सूखाग्रस्त हो गया था, सूखाग्रस्त के कारण ये जो वर्ष रहा 2015-16 ये आपका ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया कृषि क्षेत्र में। जबकि 2017-18 है इसमें जो ऋणात्मक रहा वो रहा आपका -9.51% यानी -9.51%, सर्वाधिक ऋणात्मक वर्ष रहा, कौन सा, 2017-18, जहां पर कृषि उत्पादों में कमी के कारण यहां पे कृषि दर ऋणात्मक दर्ज किया गया। सर्वाधिक वृद्धि का कौन सा वर्ष रहा, 2016-17, और सर्वाधिक ऋणात्मक किस वर्ष दर्ज किया गया तो वो है 2017-18। दोनों ईयर को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उद्योग क्षेत्र की यदि हम बात करें तो विगत छः वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई वर्ष 2017-18 में, सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई वर्ष 2017-18 में किसमें, उद्योग क्षेत्र में, जिसमें 7.52% जो इसकी अनुमानित वृद्धि रही। उसके साथ ही इस उद्योग क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि भी दर्ज की गई 2014-15 में, जहां पे आपका -1.55% यानी -1.55% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई आपके उद्योग क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में जो आपकी सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई वो वर्ष है आपका 2017-18, ठीक। सेवा क्षेत्र में जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई वो वर्ष है 2017-18, जिसमें 8.45% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। परसेंटेज याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस ईयर को याद रखिएगा, और ईयर याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए 2015-16, 16-17, 17-18 सभी के सभी लाइन से है, 2015-16 ऋणात्मक, 16-17 धनात्मक, 17-18 ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है, लाइन से है 15-16, 16-17, 17-18, ठीक। देखिए वैसे ही यदि हम आर्थिक विकास दर की बात करें छत्तीसगढ़ की यदि हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विगत 6 वर्षों में यदि हम सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो हमारे इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई थी वर्ष 2013-14 में। वर्ष 2013-14 में जो हमारे प्रदेश की जो अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर रही वो रही लगभग 10% के आसपास हमारे प्रदेश में आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की गई, ठीक है। तो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे आंकड़े दिए गए, खनिज से रिलेटेड आंकड़े हैं, उद्योग से रिलेटेड है, विद्युत से रिलेटेड आंकड़े हैं, लेकिन उसको हम आगे के चैप्टरों में इन चीज़ों को ऐड करते हुए चलेंगे। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा में और भी कई चीज़ें आपको ऑफिशियली इकोनॉमिक सर्वे के बुक में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे आगे चैप्टर कवर करते जाएंगे उसमें उन चीज़ों को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का ध्यान दीजिएगा, 7000 लोग देखना चाहिए वीडियो को, यानी 7000 व्यूज होने चाहिए और 800 के आसपास लाइक्स होने चाहिए, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो इसीलिए वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो देखना चाहते हैं उनके साथ। बेफिजूल के बेफिजूल लोगों को शेयर करने से कोई मतलब नहीं है, जिनका कंपिटेटिव एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है उन लोग को शेयर मत कीजिए। जो तैयारी कर रहा है उन लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक, तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।